पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले कई दिनों से गुदड़ी क्षेत्र में चल रहे प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के विरुद्ध अभियान के दौरान पुलिस ने संगठन के एरिया कमांडर अजयपुर के उर्फ मनोज समेत 8 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अजय लिंडा ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इससे पीएलएफआई को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और अब संगठन पूरी तरह से खत्म हो गया है। 2 लाख रुपए के इनामी अजयपूर्ति की गिरफ्तारी से दिनेश गोप के दस्ते को काफी नुकसान पहुंचा है। अब अगला लक्ष्य दिनेश गोप को पकड़ना है। गौरतलब है कि लगातार डॉटी ने एरिया कमांडर अजयपूर्ति की गिरफ्तारी की सूचना कल ही दे दी थी। आज चाईबासा पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी। अजयपूर्ति के साथ 7 और साथी भी गिरफ्तार किए गए। के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल, मोटरसाइकिल और दैनिक यूज़ करने वाले बहुत सारे सामान मिले हैं। एक गुप्त सूचना आसूचना प्राप्त हुई थी कि अजयपूर्ति जो एरिया कमांडर है, इसका दस्ता ईटी बिरदा गांव आसपास में गगनशील है और उसके उस सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था, जिसमें जिला पुलिस और सीआरपीएफ 60 की टीमें थी। जिला पुलिस की ओर से नाथू सिंह मीणा, सहायक पुलिस अधीक्षक सर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी बनगांव सुबोध मुंडा, उसके साथ में सब इंस्पेक्टर्स थे और बनगांव थाना का स्वैट टीम था। सीआरपीएफ से वाईसी विकास सिंह, एडिशनल असिस्टेंट कमांडेंट देशराज और एसआरडी की सीआरपीएफ की टीम थी, उनके द्वारा कार्रवाई की गई और कार्रवाई के तहत इन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनका जो अजयपूर्ति है, इसका हमारे जिला में 43 कांडों में ये कांड दर्ज हुए हैं और खूंटी में 7 कांड दर्ज हुए हैं। कुल इनके विरुद्ध 50 कांड हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, आगजनी, रंगदारी इत्यादि से संबंधित है। इनके द्वारा अपने कन्फेशंस में बहुत सारी अहम सूचनाएं दी गई हैं। आने वाले दिनों में हम उसे सत्यापित करेंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार डॉट इन के साथ।